चलती बस में छेड़छाड़ के बाद धकेले जाने के कारण जान गंवाने वाली किशोरी के पिता ने पंजाब सरकार की मुआवजे एवं रोजगार की पेशकश रविवार को स्वीकार कर ली है और मृतका के शव का पोस्टमार्टम तथा उसका अंतिम संस्कार करने पर सहमत हो गए, जिसके बाद घटना को लेकर 4 दिन से चला आ रहा विरोध समाप्त हो गया। किशोरी का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के पिता ने बताया कि वह यह आग्रह करते हैं कि वह अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह बिना किसी दबाव के पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए हैं। किशोरी के पिता पूर्व में उसका अंतिम संस्कार करने से यह कहते हुए मना कर रहे थे कि जब तक उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और ऑर्बिट एविएशन के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पीड़ित के पिता ने ऑर्बिट एविएशन बस सेवा का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की थी। सुखबीर इस बस कंपनी के मालिकों में से एक हैं। किशोरी के पिता अपनी मांग पर जोर देने के लिए कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों के साथ धरने पर भी बैठे थे। किसकी लड़ाई किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ, उसका संस्कार करना चाहता हूँ, आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। तो मेरा जो मुझे सरकार ने दे दिया मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को बहुत है, कम दे दिया ज्यादा दे दिया बहुत है, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ, मैं इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मेरे जीवन साथी भी मर जाएगा, मेरी वाइफ भी मर जाएगी लोगों के चक्कर में। साडे घर दियां नूं बाहर कढ दित्ता गया, दादी नूं अंदर वाड़ लिया वा, जिहदे प्यो नूं वाड़ लिया, ते जिहड़ी लड़की बीमार पई उह आ, होर कोई अंदर नहीं गा। साडी मंग आ इंसाफ होना चाहीदा, धक्का हो रिहा साडे नाल। जो कम परचा मंगदे आ असीं, किस तरह के इंसाफ चाहते हो? परचा कोई परचा नहीं गा, जो काम कर रहा लंडे कल अमरजीत कर रहा, उन्हें बंदे खरीद रहे। मेरा खुद एक छोटा भरा भी क्या होया, उन्हें 2 लाख रुपया मिला। एक सीरा जो साडा चाचा, उन्हें 2 लाख रुपया मिला। परिवार को जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उसके बारे में वो थोड़ी सी डाउटफुल थे कि शायद जो बंदे अरेस्ट किए हैं वो चाहते थे कि वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या असल बंदे अरेस्ट किए हैं, तो वो हमने उनको चेक करवा दिया और वो अपने उन्होंने वेरीफाई करके ओके कर दिया कि हाँ बंदे हमारे आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं। इन दिस केस 4 accused हैव बीन अरेस्टेड, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, 2 क्लीनर है, एंड द बस हैज बीन इम्पाउंडेड एंड आवर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। हाँ, ये उनकी मर्जी है, पेरेंट्स की मर्जी है, जब पेरेंट्स की मर्जी होगी वैसे ही होगा। जो आज उनका छोटा लड़का शिनाख्त के लिए गया था, उसने उनकी शिनाख्त कर ली जरूरी? बिल्कुल शिनाख्त कर दी, उन्होंने शिनाख्त करके कह दिया कि हाँ परिवार फुली सेटिस्फाइड है। उसके बाद ही आप गल की थी, 20 लाख हमने दिया है परिवार को और 4 लाख दिया है हमने बच्चे की पढ़ाई के लिए और 6 लाख दे रही है नेशनल कमीशन SCBC। सरकारी नौकरी के बारे में विचार हो रहा है, तकरीबन क्लियर हो गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या किसी कॉरपोरेशन या बोर्ड में उनको क्लास 4 की नौकरी दी जाएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।